हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। बिहार के बेगूसराय में एक शिक्षक का जल्लाद वाला चेहरा सामने आया। यहां स्कूल की कुर्सी टूटने से गुस्साए हेडमास्टर ने छात्र छात्राओं को इतनी बेरहमी से पीटा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हेडमास्टर ने स्कूल के बच्चों को कमरे में बंद कर दिया और फिर छड़ी से बेरहमी से पिटाई की। इस दौरान बच्चे चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन गुरुजी को उन पर जरा भी दया नहीं आई। हेडमास्टर पर तो जैसे पिटाई का भूत सवार था। शिक्षक की पिटाई से बच्चे बुरी तरह घायल हो गए, उन्हें गंभीर चोटें आईं। बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामोह में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी जब बच्चों के अभिभावकों को हुई तो सभी आक्रोशित हो गए और स्कूल पहुंचकर हंगामा करने लगे। घटना शामोह प्रखंड के अकबरपुर बरारी पंचायत के मध्य विद्यालय की है। शिक्षक की पिटाई से 12 से ज्यादा बच्चों को चोट लगी है। इनमें से 7 बच्चियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। कई बच्चियां बेहोश हो गई थी। प्रिंसिपल की इस करतूत से बच्चे काफी डरे सहमे हैं। पुलिस ने आरोपी हेडमास्टर सीताराम साह को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार होने के बाद हेडमास्टर ने गलती होने की बात कही। हेडमास्टर भले ही अब गलती मान रहे हों, लेकिन सवाल उठता है कि उन्हें इस तरह बच्चों को बुरी तरह से पीटने का अधिकार किसने दिया। बच्चों के आक्रोशित अभिभावकों ने शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से हेडमास्टर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। कि हमें तो खाना उना बनाई लिए फिर हमें देखलिए तो फिर हमें बर्तन बासन छोड़ के अलिए तो बुतरू बच्चा पकड़लिए धकड़लिए तो हमें बुतरू हल नहीं हमारे तो अपने खुदे हलै चार मारलखिन मारलखिन देखते ना कुर्सी तोड़ के तोड़क नहीं तोड़क सबसे कुछ मारि लेथिन आज की घटना है। प्रखंड के मध्य विद्यालय अकबरपुर 40 के एक प्रभारी शिक्षक सीताराम साव ने एक छोटी से अपराध विद्यालय की कुर्सी टूट गई, इसके जुर्म में उन्होंने कई बच्चियों को विद्यालय के कमरे में बंद करके बुरी तरह पीटा। 2-3 के सर फूटे बच्चों के, 7 बच्चियों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामो में चल रहा है। इसके पूर्व इस शिक्षक की पिटाई से एक बच्चे की आंख की रोशनी जाते जाती बची। महज एक कुर्सी टूटने की वजह से कोई बच्चों के लिए इस तरह से जल्लाद बन जाएगा, ये देख सुनकर ही हैरानी होती है। अब देखना यह है कि इस प्रिंसिपल पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल पुलिस प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।